रुद्राक्ष के बीज रहते हैं जिनको साफ करके फिर अंदर से रुद्राक्ष निकल सकते हैं, तो कोई भी मुखी निकल सकता है। तो बस मैं आज तक आपने सारे सिर्फ बीज देखे हो गया तो रुद्राक्ष देखा होगा, बट मैं आज आपको उसका पेड़ भी दिखाने वाला हूँ। तो मैं वो ही इंटरेस्टिंग पेड़ की बात कर रहा था, ये मेरा सबसे अच्छा सेक्शन है, यहाँ पर आता हूँ। एक वो योगा वाला सेक्शन और एक ये वाला। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखो, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, तो आज हम फिर से मिल रहे हैं हमारे एक न्यू ब्लॉग के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि मैं सिलवासा में रहता हूँ, तो मैंने सिलवासा के रीसेंट अभी डियर पार्क, लायन सफर, ये सब जाके वीडियोस डाले, तो आप वो भी जाके देखना क्योंकि वो बहुत अच्छी प्लेसेस है सिलवासा में अगर आते हो तो घूमने के लिए। तो आज मैं एक और ही बहुत ही स्पेशल प्लेस पर आया हूँ जो सिलवासा में नक्षत्र गार्डन से पहले सिटी फॉरेस्ट है, तो मैं वो आपको दिखाने के लिए आया हूँ। और ये बहुत प्यारा बना दिया, इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे पेड़ है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक पेड़ भी है, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर भी पूरा लेके चलूँगा। तो पहले तो मैं आपको इसका मेन एंट्री दिखा देता हूँ, मैं अंदर खड़ा हूँ गार्डन के अंदर, बट मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसा है। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये इसका मेन एंट्री है। तो ये देखो सिटी फॉरेस्ट लिखा हुआ, ये गेट है, इस पर पेड़ बने हुए। अब यहाँ से अंदर एंटर करना, अंदर बहुत प्यारा है, देखना अंदर चल गए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अंदर घूमते ही, और ये यहाँ पर ये ट्राइबल आर्ट बनी हुई है, ये देखो ये यहाँ पर ये ट्राइबल आर्ट बना हुआ है। ये आपको सिलवासा में जितने भी अच्छी अच्छी प्लेसेस है ना, वहाँ पे ट्राइबल आर्ट दिख जाएगा। और ये मेरे पास और भी जगह है, वहाँ पर भी है। तो ये अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर ये ऐसे ट्राइबल आर्ट बने हुए, तो वो काफ़ी अच्छा है। ये सिटी फॉरेस्ट का लेआउट मैप है, तो और ये नक्षत्र वन का है, नक्षत्र वन उससे आगे, तो मैं वहाँ पर भी आपको लेके चलूँगा। तो ये देखो ये सिटी फॉरेस्ट का लेआउट मैप है, इसमें देखो सारे डिटेल्स लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ आप इसमें कर सकते हो। तो ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, ये सारी एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर लिखे कि प्लांट्स कौन सी जगह पर, पॉन्ड कौन सी जगह पर, ये सब लिखा हुआ है। इधर यहाँ पर एक जॉगिंग ट्रैक भी है, वो काफ़ी अच्छा है, 1 किलोमीटर का, तो आप आराम से उसमें जॉग भी कर सकते हो। ये जॉगिंग ट्रैक देखो, जॉगिंग ट्रैक लिखा हुआ है, ब्लॉक प्लांटेशन। तो हम अंदर चलेंगे, पूरा वो भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर अभी देखो दिन का टाइम है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है वैसे। देखो ग्रीनरी कितना है यहाँ पर, पूरे 12 महीने आपको ग्रीनरी दिखने वाला है। तो अभी हम वहाँ पर चलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ है जो आप देख सकते हो, जो आपको इंडिया में अलग अलग जगह मिलेंगे, सिलवासा में वैसे पेड़ दिखना। और यहाँ पर एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पेड़ है, वो वहाँ मैं आपको लेके चलूँगा, वो पेड़ मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी आता हूँ वहाँ पर थोड़ी देर तक रुकता हूँ, तो वो पेड़ उस साइड है, तो वहाँ पर भी चलेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और पूरा घुमाते हैं अंदर। तो ये सिटी फॉरेस्ट किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के पेड़ हैं जो अलग अलग जगह से लाकर यहाँ पर लगाए गए, क्योंकि ये सब यहाँ पर नहीं मिलते, सब अलग अलग जगह पर। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको पेड़ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये उनमें से एक है, ये देखो लिखा हुआ है रेड सैंडर्स, यानी लाल चंदन का आई थिंक रहता है, यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ भी है। ये देखो बंगाली रक्तचंद्र, गुजराती रतंजलि, हिंदी लाल चंदन, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे पेड़ है और ये गवर्नमेंट को ही अलाउड होता है, बाकी कोई लगा नहीं सकता है। तो ये रेड सैंडल है, वो है ये। तो अभी हम यहाँ से और भी जगह पर जाएंगे, दूसरी सब जगह जाएंगे, तो वहाँ पर भी देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग पेड़ है यहाँ पर। देखो यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है, पूरा घना है यहाँ से। वो जो रेड सैंडल था वो वहाँ पर था, अभी वहाँ से हम थोड़ा सा आ गए। तो देखो यहाँ पर जो स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस होते हैं उनमें जो यूज़ होते हैं, तो देखो पेपर लॉन्ग, ये इसका पेड़ है। फिर ये जो ब्लैक पेपर जो हम यूज़ करते हैं ना, ये देखो पेपर लिखा हुआ है यहाँ पर बनी है। तो ये जो पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये ब्लैक पेपर के हैं। और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर और भी है, ये देखो कार्डेमम, यानी इलायची जो होती है, देखो इलायची बनी हुई है। तो ये सारे इलायची के पेड़ हैं। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये भी कार्डेमम लार्ज, ये बड़ी इलायची है जो लाल कलर में रहती है। तो ये इतने बड़े पेड़ है, देखो वो छोटी इलायची, इतने छोटे पेड़, ये बड़ी इलायची, तो इतना बड़ा पेड़ है। ये जो सेक्शन है ना, इसमें पूरे स्पाइसेस लगे, वो जो मैंने आपको दिखा दी वो वाले हैं। ये सिनेमन है जो दालचीनी होती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो रोज़ मैं यूज़ भी करता हूँ। तो ये देखो ये दालचीनी का पेड़ है, तो इसकी जो छाल रहती है उससे बनता है दालचीनी। यहाँ से आगे आएंगे तो यहाँ आगे भी कुछ है, फिर एक अलग सेक्शन है उस साइड, सारे अलग अलग सेक्शन है, हर जगह पे आपको अलग अलग पेड़ दिख जाएंगे, तो हम वो भी पूरा कवर करेंगे। तो ये देखो ये यहाँ पर ये तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता भी आप मसाले में यूज़ करते ना, जो खड़े मसाले थे उनमें यूज़ करते थे। देखो यही वो पत्ते हैं सारे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पत्ते हैं।
तो अभी वहाँ पर वो जो इंडियन स्पाइसेस जो थे वो मैंने आपको सारे दिखा दिया। हम अंदर और भी घूम रहे, बट मैं सिलवासा में रहता हूँ तो मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। मतलब ये आप समझो कि ये मेरी इतने सालों की मेहनत है वो मुझे दिखती है, और ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करती है कहीं ना कहीं से कि मैं और ज़्यादा अच्छे कंटेंट बनाऊँ और ज़्यादा अच्छी जगह पर जाऊँ। तो अभी मुझे यहाँ पर मेरे 3-4 सब्सक्राइबर भी मिले, और मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे 30 डेज का सीरीज़ भी किया था, तो वो सारे वीडियोज़ में अभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके दे सकते हो। तो 30 डेज मैंने किए थे कंटिन्यू, तो 30 डेज की वजह से मुझे बहुत अच्छा रीच मिला और बहुत लोगों ने देखे, तो उसको देखकर मुझे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने मुझे देखा हुआ है या वो मेरा वीडियो देखा हुआ है, तो मिलते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो बस, तो वैसे अगर आप भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आपको भी कंटेंट देखना मीन्स पसंद है मेरा, और आपको ऐसे तो वीडियोस देखना पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करो, तो मुझे बहुत इससे मोटिवेशन भी मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस बना सकूँ। तो अभी बस बात कम करते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी देखो ये यहाँ पर ये जैक फ्रूट है, ये देखो कटहल बोला जाता है उसको, जैक फ्रूट है कटहल बोला जाता है। तो ये मैंने बचपन में तो बहुत खाया है, ये जस्ट मेरे घर के सामने इनके पेड़ थे, तो ये देखो ये सारे अभी तो छोटे पेड़ है इसलिए इन पे अभी तक आए नहीं है, बट ये जब बड़े हो जाएंगे तो इस पे बड़े बड़े साइज़ के कटहल आ जाएंगे। और ये यहाँ पर हट बना हुआ है, तो इसके अंदर आप आराम से बैठ के योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ग्रुप में पूरा आ सकते हो, बहुत बड़ा जगह है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं भी बहुत बार यहाँ पर आया हूँ, बहुत बार मन शांत करने के लिए मैं यहाँ पर आता था, तो ये जगह पर मैं बैठता था क्योंकि एकदम पीसफुल है, देखो एकदम शांत है, ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ हमेशा ठंडी हवा चलती रहेगी चाहे कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी है पूरा, हमेशा यहाँ पर ठंडी हवा चलती है। तो अभी देखो अभी तो हमने ये है ना सिर्फ आपको पता है 10% भी नहीं कवर किया है, 10% में इतने सारे पेड़ है, और मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो जो मेन मेन है वो बता रहा हूँ। तो सोचो अभी कितना बड़ा होगा, 1 किलोमीटर का तो इसका जॉगिंग ट्रैक है पूरा अंदर, तो आप पूरा 1 किलोमीटर तो अंदर रन कर सकते हो इसके अंदर, इतनी बड़ी जगह है, और अंदर ये ऐसे सब प्यारी प्यारी जगह भी है जहाँ आप बैठ सकते हो आराम से। तो अभी आगे और भी चलते, वहाँ एक पेड़ है मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड टू उसी को कवर करने के लिए, क्योंकि वो पेड़ है ना बहुत करीब है मेरे दिल के भी, और मुझे अच्छा लगता है। और सोचो वो नेपाल से वो पेड़ यहाँ पर आया होगा, क्योंकि नेपाल में ही वो जो भी पेड़ है वो वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, बट यहाँ पर भी है। तो चलते आगे और देखते ये पूरा, ये जो है ये वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग का ट्रैक है वो बाहर के साइड है, तो आप उसमें पूरा जॉग कर सकते हो, जॉगिंग ट्रैक बाहर की साइड है, ये नॉर्मल ट्रैक है जिस पर आप घूम सकते हो। देखो यहाँ पर भी एक हट बना हुआ है, तो ऐसे अंदर बैठने के लिए बहुत सारे इतने बड़े बड़े 3-4 हैं जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, और छोटे छोटे और भी है वहाँ पर बहुत सारे, बट अभी हम यहाँ से आगे चलेंगे, आगे आपको और भी दिखाता हूँ, क्योंकि इतना ही दिखा के नहीं छोड़ देना चाहता हूँ, और भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी तो हमने 15-20% कवर हुआ है, अभी आगे और जाना है, तो वो सारा भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको जिस जॉगिंग ट्रैक की बात कर रहा था ना, तो पहले तो हम जो चल रहे थे वो तो नॉर्मल वॉक करने के लिए, बट ये यहाँ का जॉगिंग ट्रैक है, ये देखो अभी हम जिस पे चल रहे थे ये पूरा जॉगिंग ट्रैक है, तो आप इस पे आराम से जॉग कर सकते हो। मॉर्निंग में आप आओगे ना तो देखोगे तो यहाँ पर सब जॉगिंग करने के लिए ही आते हैं। यहाँ पर अभी आप देखोगे, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ भी है यहाँ पर, देखो इतने बड़े बड़े पेड़ भी है पूरे यहाँ पर। तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन है या कोई भी आपके पास फ़ोन है जिसमें आप मल्टीमीडिया एक्सेस कर सकते हो, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रुद्राक्ष के बीज ज़रूर देखे होंगे, आपको वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे रुद्राक्ष के बीज रहते हैं जिनको साफ करके फिर अंदर से रुद्राक्ष निकल सकते हैं, तो कोई भी मुखी निकल सकता है। तो बस मैं आज तक आपने सारे सिर्फ बीज देखे होगा या तो रुद्राक्ष देखा होगा, बट मैं आज आपको उसका पेड़ भी दिखाने वाला हूँ। तो मैं वही इंटरेस्टिंग पेड़ की बात कर रहा था, ये मेरा सबसे अच्छा सेक्शन है, यहाँ पर आता हूँ, एक वो योगा वाला सेक्शन और एक ये वाला। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखो ये रुद्राक्ष का पेड़ है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है रुद्राक्ष, और ये सारे जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं ना ये सारे रुद्राक्ष के पेड़ है, तो इतने सारे लगे हुए, बट अभी तक मैं यहाँ पर इतनी बार आया बट मुझे अभी तक एक भी बार बीज नहीं मिला, क्योंकि अभी शायद मुझे लग रहा है पेड़ और बड़े होंगे तब जाकर इनमें से बीज निकलता होगा। तो ये सारे रुद्राक्ष के पेड़ है, देखो पूरा आप देखोगे ना ये सारे रुद्राक्ष के पेड़ है। तो मैंने भी पहली बार देखा था, मैं आया तो खुद शौक हो गया था जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था ना,
तो मैंने जब ये यहाँ पर ये बोर्ड देखा और इसके बारे में देखा, तब मैं भी शॉक हो गया कि रुद्राक्ष का पेड़ मुझे देखने मिला, क्योंकि मैंने रुद्राक्ष तो बहुत, मेरे खुद के पास भी बहुत सारे हैं, बीज भी मैंने देखा था, बट पेड़ मैंने पहली बार देखा था। तो ये है रुद्राक्ष का पेड़, ये भी आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। और भी अच्छी अच्छी जगह है, वो भी लेके चलूँगा मैं आपको। ये अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, इसके अंदर देखो कमल का फूल भी है। ये छोटा सा ही है बट उससे बड़ा वहाँ पर है, उसमें और भी ज़्यादा है, तो मैं वहाँ पर भी आपको लेके चलूँगा। वहाँ पर उस साइड है, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ पर, तो वो भी चलते हैं। और अभी देखो आपको यहाँ पर और क्या चाहिए, देखो एक तो ग्रीनरी है इतना सारा, इतने प्यारे प्यारे हट है, और वहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ था आगे, वहाँ से आप आगे चल के आओगे तो यहाँ पर बेल पत्र का पेड़ है। तो ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये बेल का पेड़ है, अभी तो छोटे छोटे हैं बट ये बड़े हो जाएंगे तो इन पे फल भी आता है, वो इतने गोल गोल फल आते हैं। तो महादेव से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो वो एक अच्छा लग रहा है। बेलपत्र मुझे नहीं पता था, अभी भाई ने बताया तब मुझे पता चला कि यहाँ पर बेलपत्र, में पहले देख के गया इन, तब शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था। और यहाँ पर जस्ट बेलपत्र वाले सेक्शन में नीम का पेड़ भी है, ये देखो नीम लिखा हुआ है, तो ये सारे नीम के पेड़ भी है, तो ये सब अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी तो छोटे छोटे और बड़े भी हो जाएंगे ये, और भी आगे चलते हैं। तो ये सिटी फॉरेस्ट में एक और यहाँ पर पॉन्ड है, ये आपको दिख ही रहा होगा, और यहाँ पर आसपास अभी बहुत लोग भी, आज संडे है तो इस वजह से हमने सोचा, हम आए थे दिन के 3 बजे बट आज संडे है इसलिए इतना सारा क्राउड है, अच्छा है क्राउड है। तो और ये यहाँ पर एक और पॉन्ड है, इसमें ही बहुत सारे लोटस हैं बट कुछ कुछ खिले हुए, और देख कर है ना ये अलग तरह के लोटस है, क्योंकि मैंने जो देखे वो अलग है, ये वाले अलग है, और देख के ऐसे लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल लोटस लगे हुए, अलग ही कलर है उनका, उनके अंदर 3 कलर दिख रहा है, पिंक है, वाइट है, येलो है, ऑरेंज है, 4 कलर दिख रहे हैं। तो ये पूरा ये पॉन्ड है तो इसमें लोटस भी लगे हुए, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन रखा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, ऐसे टाइम पर भी इतना ग्रीनरी मेंटेन रखना वो बहुत बड़ी बात है। तो देखो पूरा ग्रीनरी है हर तरफ, तो वो एक अच्छा लगता है। तो यहाँ छोटे बड़े सब मिला के यहाँ पर टोटल 4 पॉन्ड है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ का सबसे बड़ा पॉन्ड है ये वाला, ये देखो चारों तरफ अभी पानी के फव्वारे भी चल रहे हैं, जिससे ये इतनी ठंडक भी जो लग रही है और इतना ग्रीनरी दिख रहा है इसके पीछे, तो ये कंटिन्यू यहाँ पर उतर रहा है। बादल भी देखो, आसमान भी कितना प्यारा दिख रहा है, और ग्रीनरी कितना सारा है वो काफ़ी अच्छा है कि ग्रीन है चारों तरफ। और ये जस्ट यहाँ का मतलब बाउंड्रीज है, इसके बाहर वो रोड है, यहाँ से आप आगे जाओगे ना तो वो नक्षत्र वन आ जाएगा, और यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो वो उसका मेन गेट है, तो जहाँ से हम अंदर एंटर हुए थे, तो अभी हम वहाँ पर ही जा रहे हैं क्योंकि सिटी फॉरेस्ट तो हमने पूरा घूम लिया है, और नेक्स्ट हमारा रहने वाला है नक्षत्र का, क्योंकि वहाँ का भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप नक्षत्र शूट करो, तो हम नक्षत्र भी बनाने वाले, तो वो भी जल्दी ही होगा। बट अभी ये जो आज का सिटी फॉरेस्ट वाला व्लॉग है यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैं जब भी ऐसी सब जगह पर जाता हूँ ना, तो जब मैं आप लोगों को दिखाने सोचता हूँ तो मुझे और भी न्यू चीज़ें देखने मिलती है जो मुझे ऐसे नहीं मिलती है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे साथ होती है, तो वो एक अच्छा चीज़ रहा, आज भी मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, तो वो मुझे बहुत हेल्प करने वाली है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, और अगर आप पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी प्लेसेस जाने वाला हूँ, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देखो, आपको वो भी देख के मज़ा आएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे नक्षत्र गार्डन के लिए, नक्षत्र गार्डन वाला जो व्लॉग है वो भी हम शूट करेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए।